धर्म क्या है इसको जानना कठिन होता है। धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्। महाभारत में कहा है कि धर्म का परम तत्व परम गुहा में निहित है। परम गुहा किसको कहते हैं? जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। उसके पहले कोई भी धर्म के तत्व को जानता नहीं है। हिंदू अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, मुसलमान अपनी धारण करते हैं, क्रिश्चियन अपनी धारण करते हैं और सभी का कहना है कि हम धार्मिक हैं। ऐसा नहीं है। वे धर्म की उपासना पद्धतियों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का पालन करने वाले हैं। धर्म की राह पर चलने का प्रयास करते हैं किंतु वे धर्म के तत्व को नहीं जानते। सनत ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह गहन रहस्य है। आप सामान्य रूप से इसका अर्थ ही जानते हैं कि यह मुहर है। राज जी ने मुहर लगा दिया कि जो मैंने कहा है वो सत्य है। जैसे हिंदू के लिए चोटी रखना अनिवार्य है, यदि चोटी नहीं रखता है तो कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है। मुस्लिम के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है, दाढ़ी नहीं रखेगा तो कहेंगे कि मुसलमान नहीं है, काफिर है। अफगानिस्तान में जाइए, आप दाढ़ी नहीं रखेंगे तो शायद आपको गोली भी मारी जा सकती है। शरीयत की राह पर चलने वालों के लिए शरीयत के नियम ही सर्वोपरि होते हैं। धर्म ये नहीं कहता। आप ये बताइए, एक मां के दो बेटे हैं, एक काला एक गोरा है। जो काला है वो गरीब भी है और गोरा है वो धनवान भी है। तो क्या मां अपने काले और गरीब बेटे को छोड़ देगी? उसकी नजर में तो दोनों बराबर है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी पर न जाने कितने पंथ हैं, कितनी भाषाएं हैं। एक एक देश के अंदर, एक एक पंथ के अंदर न जाने कितनी परंपराएं हैं। हमने उसी को धर्म मान लिया है। हिंदू कहेगा कि हम पूरब की तरफ खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे, मुसलमान कहेगा कि हम पश्चिम की तरफ खड़े करेंगे, इसके लिए लड़ाई होगी। मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, लेकिन हिंदू को बनाने वाला भी वही है, मुस्लिम को भी बनाने वाला वही है। हम शांति का दीपक जलाते हैं, शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ करते समय ये भूल जाते हैं कि हम कहते हैं कि दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पति शांति। जो लोग से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियाँ निकली हैं और उन असंख्य पृथ्वियों पर न जाने कितने प्राणी रहते हैं हमारी कल्पना के बाहर है। इस पृथ्वी पर कम से कम 5 अरब तो मनुष्य रहते हैं, ज्यादा ही अब बढ़ गए हैं। न जाने कितने पंथ हैं। हिंदू धर्म के अंदर 1000 पंथ है और शिव को मानने वाला विष्णु का प्रसाद खाना नहीं चाहता, विष्णु को मानने वाला शिव को प्रसाद नहीं खाना चाहता। वो दूसरे के प्रसाद न खाने कोई धर्म मान बैठे हैं, ये धर्म नहीं है। देवी को मानने वाला कहता है कि नहीं, हमें तो शराब और मांस ही चढ़ाना है, वो उसी को धर्म माने बैठा है। आप कहिए कि ऐसा न कीजिए तो कहेगा कि नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ है। मुसलमान कहेगा कि हम रब्बिल अलमीन को मानते हैं, वो भूल जाता है कि काफिरों का कत्ल करते समय उसमें दया की भावना नहीं आती। वो गैर मुस्लिम को काफिर कहता है और तो और मुसलमान मुसलमान को काफिर कहता है। आप देखेंगे करबला की लड़ाई में क्या हुआ। यजीद ने मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन को किस तरह से मारा, तड़पा तड़पा कर मारा। 6 महीने का बच्चा था, 2 दिन से भूखा प्यासा था, उसको भी तीर से मार डाला। हसन को मारा गया, मोहम्मद साहब के दामाद अली को नमाज पढ़ते समय मारा गया, मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा को मारा गया। मारने वाले कौन थे? मुसलमान। और वो कहते हैं कि हम ही इस्लाम के झंडा बरदार हैं। तारिक फतेह ने बिल्कुल सही कहा है, अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम कुछ और है। मुल्ला कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही इस्लाम है। इस्लाम तो कहता है कि रब्बिल आलमीन, लेकिन क्या ये जो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं इस्लाम को जानते हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा खून खराबा ये कर रहे हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कहा, हमें कहा है कि जो भी गैर मुस्लिम है इसको मार डालो, क्योंकि वो इस्लाम को जानते नहीं, अल्लाह को जानते नहीं। उन्होंने इस्लाम की उल्टी व्याख्या की, अल्लाह की गलत व्याख्या की। अब देखिए, हिंदू कहेगा कि हम परमात्मा का नाम ओम मानते हैं, मुसलमान कहेगा कि हम अल्लाह मानते हैं। और अल्लाह का नाम इतना पवित्र है कि हिंदू को उसके उच्चारण करने का अधिकार नहीं। हिंदू 2 कदम और निकलेंगे,
कहेंगे कि देखो यदि तुम हमारे गायत्री मंत्र को पढ़ लोगे, शूद्र पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला कर डाल देंगे, स्त्री यदि गायत्री मंत्र पढ़ लेगी तो उसकी जिह्वा काट लेंगे, ये कौन कह रहा है? पूछा जाए किस वेद के मंत्र में लिखा है कि स्त्री भी गायत्री मंत्र पढ़े तो जीवा काट ली जाए? तो सीता जी को पहले काटे ना, सीता जी तो प्रतिदिन गायत्री मंत्र से संध्या करती थी। और यदि स्त्री वेद न पढ़े तो शूद्रा हो गई, शूद्रा की संतान ब्राह्मण कैसे हो सकता है? इसलिए धर्म की उल्टी व्याख्या की जाती है। इन लोगों को समझाने के लिए सनदवाड़ी है, मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने मिने जब आए इमाम आखिर। कुरान में सार्वभौम सत्य का उपदेश दिया गया है लेकिन कुरान मुसलमानों का ग्रंथ बनकर रह गया और कुरान के नाम पर खून की नदियां बहाई गई कि जो हमारी मान्यताओं को नहीं मानेगा हम उसको दुनिया में जिंदा नहीं रहने देंगे। वेद आया सृष्टि के प्रारंभ में सारे संसार के लिए, तभी तो इसमें कल्पना की गई है, कामना की गई कि हे परमात्मा हर जगह शांति हो, जौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपय शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एव शांति, सामा शांति है, इतनी कल्पना की गई है। लेकिन हम पाठ करेंगे, हमारे पास कोई शूद्र आ जाएगा उसको भगा देंगे, पत्थर के नारायण को मिष्ठान खिलाएंगे, साक्षात नारायण एक मनुष्य के अंदर आता है तो उसको छोटी जात कहकर के भगा जाता है कि तुम यहाँ बैठोगे तो पवित्र हो जाएगा। इंदिरा गांधी जगन्नाथपुरी में चली गई थी तो वहां के पंडों ने जगन्नाथपुरी को धुला दिया। क्या इंदिरा गांधी के जाने से जगन्नाथ भगवान अशुद्ध हो गए? एक बार बाबू जगजीवन राम कैलाश मंदिर ये काशी विश्वनाथ में पूजा करने चले गए तो उनके जाने के बाद भी पंडों ने सब धुला दिया। हम शंकर जी के पिंड को परमात्मा मान लेते हैं और एक मानव के अंदर जो गीता का कथन है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठत अर्जुन, इसको भुला देते हैं। सबके अंदर जो बैठा हुआ है उससे घृणा, तुलसी के पौधे और शालिग्राम का विवाह, ये कौन सा धर्म है? कौन से मंत्र में लिखा हुआ है? इस अज्ञानता की दीवार को गिराना था, इसके लिए सनदवाणी उतरी है। हिंदुओं को बताना था कि जिसको तुम धर्म मानते वो धर्म नहीं है, धर्म तो शाश्वत है। इसलिए वेद ने क्या कहा? वेद एकात्म मानववाद की प्रेरणा देता है। सबके अंदर चेतना को देखो, तत्र का मोह का सो का यु एकत्व मन पश्यत, जो सबके अंदर एक चेतना को देख रहा है, सर्वभूतेश आत्मानम, सर्वभूतेश आत्मानम सर्वभूतांच आत्मन यह पश्यत से पंडिता, पंडित जन्म से कोई पंडित नहीं होता, जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखे कि जैसे मैं हूं वैसा ये है, और जो मेरे अंदर सभी प्राणी है सभी प्राणियों के अंदर मैं हूं। जब हवन किया जाता है तो प्रत्येक हवन की आहुति, हवन करते समय पहले 7 आहुति दी जाती है, इदम इंद्राय, इदम नमम, इदम वरुणाय, इदम नमम। हर मंत्र के आगे स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा जानते हैं क्या अर्थ होता है? स्वाहा का अर्थ होता है, पौराणिक कहते हैं कि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, ऐसा नहीं है। स्वाहा का अर्थ होता है सुअहेत्वा स्वप्रहेत्वा स्वाहितम हविष्यो, हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उससे चाहते हैं। नित्य के ग्रंथ में इसको कहा जाएगा आत्मना प्रतिकूलान परिंसाम न समाचरित, हम दूसरे से वैसा व्यवहार न करें जैसा हम उसके साथ नहीं चाहते हैं। यदि हम दूसरे से प्रेम चाहते हैं तो हमें प्रेम करना सीखना पड़ेगा। आप एक छोटे बच्चे का प्रेम चाहते हैं तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। आप उसके सामने कहेंगे कि देखो मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ तो बच्चा आपको कोई महत्व नहीं देगा, वो सोचेगा कि अब बने रहिए प्राइम मिनिस्टर, हमें प्राइम मिनिस्टर से क्या लेना देना है। लेकिन बच्चे के सामने आप बच्चा बन जाइए, और अब पति का बच्चा हो या कंगाल का, वो आपसे घुल मिल जाएगा क्योंकि उसका हृदय निश्चिल है, वो धर्म की परिभाषा जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। आप बोल सकते हैं लेकिन धर्म की का ज्ञान आपको नहीं है। तो धर्म के जो बड़े बड़े धुरंधर पंडित हैं उनको समझाने के लिए, जो इस्लाम के पैरोकार करते हैं कि हमारा इस्लाम सबसे ऊंचा है, क्रिश्चियन जब किसी को बपतिस्मा दे लेते हैं तो कहते हैं कि रामकृष्ण शैतान है,
वो रामकृष्ण को शिव की निंदा करने में अपना गौरव समझते हैं। वो पूछा जाए क्या ईसा मसीह ने यही सिखाया है? इन कट्टरवादी लोगों से पूछा जाए तुम्हारा रबिल अलमीन क्या हिंदुओं का नहीं है? वेद ने तो कह दिया एकम सद्बहुधा विप्रावदन्त, एक ही परमात्मा के अनंत नाम है। आप कुरान की टीका भी पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह के 100 नाम बताए गए हैं। लेकिन जानते हैं इंडोनेशिया में गैर मुस्लिम को अल्लाह का उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि जो गैर मुस्लिम है उनकी जबान नापाक होती है, इसलिए उनको अल्लाह का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। आप इंडोनेशिया वालों का भोजन जा कर के देखें तो पता चल जाएगा कि कितने पवित्र होते हैं। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। जब मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी, मैं बैजनाथ धाम में पहुँचा। बैजनाथ धाम के पास एक पहाड़, एक कैलाश पहाड़ आश्रम है, पहाड़ी पर बना हुआ है। वहाँ पर मैंने 4 माह तक साधना की थी। फिर मैं सोचा कि मैं और एकांत में चलूँ, तो बैजनाथ धाम मैं सोचा कि बहुत नाम सुना है, देखूं कैसा है यहाँ का माहौल। तो सवेरे सवेरे मैं चला गया देखने। उस समय आपको मालूम है मैं वेद का अनुयायी था, मेरी शिवलिंग में तो कोई श्रद्धा थी नहीं, मैं बिना नहाए चला गया। पंडित ने पहचान लिया, कहा कि तुम नहाए हो? मैंने कहा कि नहीं। तो कहा कि दर्शन नहीं मिलेगा, जाओ नहा करके आओ। तो मुझे तो पत्थर के शंकर जी का दर्शन करना नहीं था, जो कल्याणकारी होता है, जो सबका कल्याणकारी परमात्मा है, वो पत्थर में नहीं रहता, वो तो हृदय में रहता है। मैंने पता किया, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक बहुत बड़ी मछली थी जिसका वजन 56 किलो से ज़्यादा था। और जानते हैं उस मछली को बाहर वालों ने नहीं खाया, सारे पंडों ने ही खा डाला। जिस जगन्नाथपुरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ, आप एक बार जाओगे दोबारा जाने का नाम नहीं लोगे। जिसमें इंदिरा गांधी गई थी तो पंडों ने घुसने नहीं दिया था, और डोंगरे जी महाराज वहाँ भागवत की कथा करने चाहते थे तो पंडों ने करने नहीं दिया। जगन्नाथपुरी के 95% पंडे यदि मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, मछली नहीं खाएंगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी, और दूसरों को मुक्ति का टिकट देते हैं कि हमारे पास संकल्प करा लो, दक्षिणा दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये धर्म नहीं है, हिंदू इसमें फंसा है। वो जड़ प्रतिमा को परमात्मा समझ रहा है, साक्षात नारायण जिसके हृदय में बैठा हुआ आता है उसको दुत्कार देता है, कहता है कि भग जाओ, तुम हमारे भगवान को शुद्ध कर दिया। बताइए साबुन में कहीं किसी ने मैल लगते हुए देखा है? साबुन चिल्लाने लगे कि मैल तो मेरे पास नहीं आना, तो साबुन क्या है? यदि परमात्मा को भी छूत लग जाए छोटी जाति से तो परमात्मा नहीं है। लेकिन हिंदुओं के भगवान को छूत लगती है, शूद्र से छूत लगती है, स्त्री चली जाए तो छूत लगती है। आप तिरुपत में जाइए, अमीरों के लिए स्पेशल लाइन है, आप गरीब है तो 1 किलोमीटर के लिए कई किलोमीटर लाइन लगी रहती है। मैं तो गया तो नहीं हूँ, सुना जरूर हूँ। भेंट द्वारिका ऐसी है गुजरात में, आपके पास भेंट देने के लिए नहीं है तो भगवान आपको दर्शन भी नहीं देंगे। जो भगवान स्वयं पैसे से बंधा हुआ है वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? राजीव सनंद की वाणी इसलिए लाए हैं क्योंकि मुसलमान कहते थे कि हमारे जैसा कोई पवित्र नहीं है। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुस्लिम कहे हम पाक, ये दो मुठ्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। ये दो मुठ्ठी एक ठौर का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण भी कहाँ से पैदा हुआ है? इसी नारायण कांत से, मोह सागर से। और मुसलमान भी कहाँ से? उसी नारायण अजाजील की शैतान है। एक मरता है तो जला दिया जाता है, एक मरता है तो जमीन में गाड़ा जाता है, वो भी तो मिट्टी ही बनता है। जो चेतना होती है वो तो कहीं और चली जाती है, लेकिन इन मुसलमानों को ये लगता है कि रूह उसी में बैठी रहती है। उनसे पूछा जाए कि मनुष्य बनने से पहले रूह कहाँ रह रही थी? कोई उत्तर नहीं। और जब उसी में रह जा रही है कब्र में, तो नई जो रूहें आ रही हैं तन धारण कर रही है, कहाँ से आ रही हैं? क्या अल्लाह मियाँ के पास कोई फैक्ट्री है कि नई नई रूहें प्रतिदिन बनाता जाता है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन जिद कि हम मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, जीव का पुनर्जन्म नहीं मानते, कुरान को ये स्वीकार नहीं है।
लेकिन जो मुल्ला ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। इन सारी भ्रांतियों से पर्दा उठाने के लिए कि परम सत्य क्या है, मुसलमान को भी बताना जरूरी है और हिंदुओं को भी बताना जाना जरूरी है। कते पक्ष की विकृतियों को सुधारना जरूरी है, क्योंकि सच्चिदानंद परब्रह्म किसी से बधा हुआ नहीं है, वो सबसे बधा है, वो सबके प्रेम से बधा है, वो किसी जाति से नहीं बधा, किसी संप्रदाय से नहीं बधा, किसी स्थान विशेष से नहीं बधा, ना वो मक्के में बधा है न किसी स्थान विशेष से बधा है। हम सोचते हैं कि हमने मंदिर बनाया, हम ताला लगा देते हैं कि भगवान कहीं भागने न जाएं। आपने प्रतीक को तो ताला लगाया है, जो हृदय में बैठा है उसको अब क्या ताला लगा लेंगे। जो अपने सत अंग से अनंत ब्रह्मांडों को एक पल में बनाता है उसको आप बंधन में नहीं रख सकते, वो तो सभी बंधनों को तोड़ने के लिए आया है। इसलिए किसी भी संप्रदाय का जो नियम होता है उस संप्रदाय के लिए होता है, सार्वभौम नहीं होता। धर्म होता है सार्वभौम सबके लिए, धर्म के नियम शाश्वत सत्य हैं। यदि सत्य बोलना धर्म है तो मुस्लिम पर भी लागू होगा, हिंदू पर भी, क्रिश्चियन पर भी, यहूदी पर भी। प्राणी की हिंसा न करना धर्म है तो वो भी सबके लिए है। माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना धर्म है तो सारे प्राणी मात्र के लिए है। वेशभूषा हम अलग बना सकते हैं, रीति रिवाज अलग बना सकते हैं, लेकिन जो परम सत्य है वो सबके लिए। कलश हिंदुस्तानी में जो सत्य दर्शाया गया है उसी को सनंद वाणी में पुनः दर्शाया गया है अरबी के मिले हुए शब्दों के साथ, और बताया गया है कि जो सनंद ग्रंथ पढ़ेगा वो सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है और मुस्लिम के लिए भी है। इसलिए सुंदर साथ में ये भ्रांति नहीं जानी चाहिए कि सनंद ग्रंथ तो मुसलमानों का है, क़यामतनामा मुसलमानों का है, खुलासा मुसलमानों का है और मार्फत सागर मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। खुलासा में क्या है? वेद कतेब का एकीकरण। सनंद में क्या कहा गया है? कलश के कई प्रकरण सनंद में दिए गए हैं, जैसे कि तैसे चौपाई चौपाई से मिलती है। इसमें कलश में सुहागनियों के लक्षण है तो सनंद में मोमिनों के लक्षण है, बात एक ही कही गई है। इसी तरह से खोज के प्रकरण जो कलश से प्रारंभ होते हैं सनंद में भी वही प्रकरण दिए होते हैं। और ये बताया गया है कि वेद पक्ष का ज्ञान कते पक्ष में कैसी सम्यता रखता है। खुलासा में जाने के बाद वेद पक्ष और कते पक्ष का जो दोनामा प्रकरण है उसमें दोनों पक्षों की बातों को कहकर एकीकरण किया गया है, एक सत्य को दर्शाया गया है। मारिफत सागर में बताया गया है कि जो मारिफत का परम तत्व है, मारिफत यानी विज्ञान, परम सत्य वो क्या है, कुरान के उस परम सत्य को कोई जान नहीं सका था। जब मारिफत दिल मोहम्मद 1735 का समय आता है उसके पश्चात खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी का अवतरण होता है, और जब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं तो परम धाम का जो अलौकिक ज्ञान उतरता है जिसमें नाम मात्र का उजाला नहीं रह गया, अंधेरा नहीं रह जाता है, उसको कहते हैं ये मारिफत का ज्ञान। सागर सिंगार की वाणी राज्य के नक से सिख तक का स्वरूप दर्शाती है जो आज तक किसी को मालूम नहीं था, और मोहम्मद साहब की जबान पर जो चीज चढ़ नहीं सकी थी। कुरान में जो मार्फत के हरूप थे मोहम्मद साहब की जबान पर कहे नहीं गए। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, बिना तारतम्य जान के आप निर्णय नहीं कर सकते परमात्मा का स्वरूप क्या है। वेद ने बहुत कहने का प्रयास किया, सुब्रम ज्योतिषाम ज्योति उपनिषदों ने कह दिया, अकामो धीरा अमृता रसेने तृप्ता, वेद ने बार बार संकेत करने का प्रयास किया, लेकिन जो मन वाणी से परे है उसको मन वाणी से कैसे समझा जाए। आप देखिए, एक चींटी से पूछिए कि प्रशांत महासागर में कितना जल है, बेचारी चींटी क्या बताएगी, वो कहेगी कि मैं बताती हूँ, बेचारी एक लहर में समाप्त हो जाएगी। मनुष्य अपनी बुद्धि का 8% से अधिक प्रयोग कर ही नहीं सकता, और उससे कहा जा रहा है कि तुम अक्षर से परे अक्षरातीत के स्वरूप का चित्रण बताओ। जो मनुष्य को बुद्धि मिली है माया की बुद्धि मिली है, और उपनिषद कहते हैं बुद्धि न विचेष्टे आहु तम परमाम गति, जिसमें बुद्धि की कोई क्रिया न हो वो परम गति है। बुद्धि से जो कुछ विवेचना की जाती है
मन से जो मनन किया जाता है, चित से चिंतन किया जाता है, वो माया है, ब्रह्म नहीं। इसलिए बुद्धि से तो विवेचना आज तक हो ही नहीं पाई कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। और संसार के लोग जो 8% का आइंस्टीन जैसा व्यक्ति 8% पूरा प्रयोग नहीं कर सका, तो 150 श्लोक मंत्र रटने वाले क्या बताएंगे कि सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप क्या है। इसलिए जिन्होंने धर्म के तत्व को नहीं जाना, धर्म के नाम पर अत्याचार करते रहे। आपको मालूम है गोवा में क्या हुआ था? गोवा में कितने हिंदुओं की चीखती हुई लाशें आज भी पुकार रही है, जिन्होंने ईसाई मत स्वीकार नहीं किया, क्रूरतापूर्वक मारा गया। आपको नहीं मालूम है कि दिल्ली में नादिर शाह ने क्या किया, तैमूर लंग ने मेरठ में कितना खून बहाया है। इतिहास के पन्नों पर आप जाएंगे, तैमूर लंग के द्वारा की जाने वाली हत्याओं की संख्या करोड़ तक शायद पहुंच जाएगी। उसने ऐसा क्यों किया? छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, वृद्धों को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह इससे खुश होगा, मैं इनको कत्ल करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे गाजी कहलाने को मिलेगा। इस छोटी सी उपाधि के लिए करोड़ों का रक्त बहाया था तैमूर लंग ने। अब स्वयं आए हैं रब्बिल आलमीन, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, सबके आए हैं, सब पर एक है नजर। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक है नजर, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चलिए। जो जिस रूप में चाह रहा है उसको उस रूप में दर्शन दे रहा है, जो जिस ग्रंथ को मानता है उसी ग्रंथ से समझाना है। यह सनंद ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। सनंद ग्रंथ को पढ़कर आप शरीयत नहीं थोप सकते। सनंद ग्रंथ का एक प्रकरण ही है सनंद खंडनी जाहिरियों की, उस प्रकरण को देखिए। मुसलमानों की कितनी खंडनी की गई है, शायद कोई नहीं कर पाएगा। खुलासा में क्या कह दिया गया कि वेद आया देवन पर, असुरन पर कुरान, इससे बड़ी खंडनी और क्या होगी? तो आप खुलासा को क्या कहेंगे, इस्लामिक ग्रंथ है? ऐसा नहीं है। यदि आपको कुरान का ज्ञान नहीं है तो कोई भी मौलवी आपको भटका सकता है। यदि आप कुरान के जाता हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो। देखिए, एक समय था जब इस देश में चारों तरफ बौद्ध धर्म की दुंदुभी बज रही थी। कोई परमात्मा का नाम लेने वाला कोई कोई रह गया था। काशी में कुमारिल भट्ट एक गली से गुजर रहे थे, वहाँ की राजकुमारी रो रही थी अपने महल के अंदर, को अगच्छाम किम करोम को वेदान उधरिष्यत, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वेदों का उद्धार कौन करेगा, क्योंकि इस भारत पर कोई परमात्मा का नाम लेने वाला नहीं रह गया, बौद्ध धर्म के नाम पर नास्तिकता फैल गई है। कुमारिल ने उस रोती हुई राजकुमारी को सुना और बाहर से कहते हैं, माँ चिंतय वरा रोहे भट्टाचार्यो अस्ति भूतले। सुंदरी चिंता ना करो, बेटी चिंता ना करो, अभी भट्टाचार्य पृथ्वी पर जिंदा है। और भट्टाचार्य का संकल्प होता है कि इस नास्तिकवाद को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन जब तक बौद्ध धर्म का ज्ञान न हो, बौद्ध धर्म को कैसे मिटा सकते हैं? एक विद्वान तलवार से तो मारेगा नहीं, तलवार से कितनों को आप मारेंगे? धर्म हृदय से ग्रहण करने वाली वस्तु है, बलपूर्वक जो थोपा जाता है वो धर्म नहीं होता। किसी का हृदय परिवर्तन आप ज्ञान से कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं, तलवार से धर्म बदलने की स्वीकृति हमारी संस्कृति नहीं देती। कुमारिल भट्टाचार्य जाते हैं, नालंदा में अध्ययन करते हैं, बौद्ध गुरु से शिक्षा लेते हैं और अंतोगत्वा शास्त्रार्थ के लिए उनको आमंत्रण देते हैं कि एक परमात्मा को मैं मानता हूं। आप सोचिए, यदि कुमारिल भट्ट के पास बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं होता तो बौद्ध धर्म से देश को मुक्ति दिलाने में वो क्या सक्षम हो पाते? उनके अधूरे कार्य को आदि शंकराचार्य ने पूरा किया, किंतु आदि शंकराचार्य ने वेदांत का सहारा लिया। बौद्ध कहते थे सर्वत्र शून्यवाद, शंकराचार्य ने कहा कि सर्वत्र ब्रह्म है, हम शून्य को नहीं मानते। शून्य तो जड़ पदार्थ है, शून्य से सृष्टि नहीं हो सकती, शून्य से सृष्टि बनाने वाला कोई और है। ये शंकराचार्य का सिद्धांत है। बौद्धों का सिद्धांत था न कोई परमात्मा है न आत्मा है, सब कुछ जड़ पदार्थ है। इस नास्तिकवाद और जड़वाद के खिलाफ तो तभी आवाज उठाई जा सकती थी जब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान हो। इसलिए
यदि आप इस्लाम की कट्टरता का विरोध करना चाहते हैं तो आपको कुरान का ज्ञान होना जरूरी है। आप केवल शक्ति के प्रयोग से कट्टरता को समाप्त नहीं कर सकते। अब 10 आतंकवादियों को मारेंगे 100 पैदा हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर से कट्टरता की जड़ क्या है? अज्ञानता में है। कुरान की आयतों का उल्टा अर्थ करके जो एक विकृत बहावी विचारधारा फैलाई गई वो सारे आतंकवाद की जड़ में वही है, और ये बात निश्चित है। देखिए, मैं एक कड़वी सच्चाई को उद्धृत कर रहा हूँ। आज से 150 वर्ष पहले देवबंद में बहावी विचारधारा को पुष्पित करने के लिए मदरसे की स्थापना की गई थी। ये बहावी विचारधारा वही है यजीद और मुआविया से जो चली आ रही है। यजीद ने क्या किया, मुआविया ने क्या किया, आपको मालूम है? करबला में हजारों लोग बेगुनाहों को तलवार से मार डाला, तड़पा तड़पा कर मारा, भूखों पर दया नहीं की कि ये भी तो मुसलमान है। वही बहावी विचारधारा का संस्थापक जो वहाँ का मौलवी था, मौलाना, ये वहीं पास का, उन्होंने स्थापना की। धीरे धीरे विचारधारा बढ़ती गई, इस विचारधारा के समर्थक संसार में पैदा होते गए। जो पाकिस्तान में लाल मस्जिद है इसी की शाखा है, देवबंद की शाखा है। जब संसार में कट्टरपंथी विचारधारा फैल गई तो उसको कट्टरता से लागू करने वाले लोग जो पैदा हुए वो आतंकवादियों के रूप में निभरे। आप कोई भी विचारधारा, एक उग्रवादी विचारधारा पैदा करेंगे तो उसके समर्थक संसार में खड़े हो जाएंगे। हमारा उत्तरदायित्व था कि उस उग्रवादी विचारधारा का उन्मूलन करते। हमें तो 300 वर्ष पहले से वाणी मिली थी, ये जो बहावी विचारधारा देवबंद के मदरसे से फैली, जिसके परिणाम स्वरूप आज अफगानिस्तान में जो आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहा है, इसकी जड़ कहाँ में? भारत के देवबंद में। मौलाना अजहर मसूद कहाँ से पढ़ा है? देवबंद से पढ़ा है। अधिकतर जो भले ही लादेन अरब का रहने वाला है, उसकी विचारधारा कौन सी है? बहावी विचारधारा। यदि विचारधारा ही नहीं फैली होती तो कोई बंदूक उठाकर अपने ही लोगों को क्यों मारता? आप देखिए, एक ही महाभारत का युग है, संगे भाई नहीं लेकिन चचेरे भाई तो है कौरव पांडव। युधिष्ठिर की विचारधारा अलग है, दुर्योधन की विचारधारा अलग है। दुर्योधन भी वेद पढ़ता है, युधिष्ठिर भी वेद पढ़ते हैं, लेकिन उसी वेद को दूसरे रूप में दुर्योधन प्रयोग करता है और उसी वेद को युधिष्ठिर दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं। रावण वेदों का प्रकांड पंडित है, राम से ज्यादा जानता है वेद, लेकिन सारा आचरण राम से उल्टा करता है। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन जब मैं अधर्म छोड़ना चाहता हूं तो मेरा मन गवाही नहीं देता। कोई मेरे अंदर बैठा हुआ है जो मुझे विवश कर देता है कि मैं अधर्म की राह पर चलूं। आप सोचिए, मनुष्य क्या है? सबके हाथ दो पैर वहीं से ही है। आप सोचेंगे, जब सिया सुन्नी में लड़ाई होती है तो अबोध दूध पीते बच्चों को कोई नहीं बख्शता। बच्चों ने क्या किया है? एक हिंदू का बच्चा, एक मुस्लिम का बच्चा है, दोनों तो बच्चे बेचारे कुछ नहीं जानते, उनको अल्लाह और ओम में भेद नहीं दिखता। भेद कौन करते हैं? बड़े बड़े जो व्याख्याकार हैं। बच्चों के लिए तो सभी एक समान है, लेकिन जब दंगा होगा तो छोटे बच्चों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि दंगाइयों को धर्म की व्याख्या नहीं मालूम है, उनको परमात्मा की व्याख्या नहीं मालूम है, उन्हें मानवता का कोई बोध नहीं है। सनंद की वाणी ये सिखाती है कि मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह। मैं वही बात कह रहा था, यदि हमारा समाज अपने उत्तरदायित्व को समझा होता, उत्तरदायित्व को कहने का मतलब कि विगत 300 वर्ष पहले से हमें राजी ने परमधाम की वाणी दे थी, ये सनंद दिया था, क्यामतनामा दिया था, खिलवत दिया था, सागर सिंगार, तो चलिए मार्फत की वाणी है, सनंद, मार्फत सागर, खुलासा और क्यामतनामा से हम सारे संसार को एकता के सूत्र में बांध सकते थे। लेकिन जब हमें खुद ही जान नहीं तो दूसरों को क्या बताएंगे? जिसको कहा गया है कि बांटो,
सारे संसार को बांटो, वही दरिद्रता का शिकार है। हमारे हृदय में जब ज्ञान नहीं पैदा होगा तो हम क्या संसार को ज्ञान देंगे। यही कारण है हमने एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया। हमने राज्य को क्या बना लिया, राज्य महाराज एक देवता, जो साल चढ़ाने से खुश होते हैं, नारियल चढ़ाने से खुश होते हैं, पाठ से खुश होते हैं। हमने सुंदर साथ को भी वंचित कर दिया कि तुम देखो 24 घंटा सेवा नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने घरों में न पधराओ, तुमसे सेवा पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए केवल महाराजों की वस्तु बनी रह गई वाणी। ऐसी स्थिति में वाणी का ज्ञान कहाँ से फैलेगा। हमें तो संसार को देना था, सारे संसार को परमधाम की राह दिखानी थी हमें। राज्य ने हमको इसलिए वाणी दी थी, राज्य ने कोई संप्रदाय बनाने के लिए, मठ मंदिर बनाने के लिए हमें नहीं भेजा है। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सोने नेचे वासना ताको करू जी भेले संग। हमने वाणी की महिमा नहीं जानी। यदि हम ये समझ लगते कि सारा कतेब पक्ष, तौरेत, इंजील, जंबूर, बाइबल, कुरान, सब कुछ इस सनंद में समाहित हो गया है, मार्फत सागर क्यामत नमा में समाहित हो गया है, तो हमारे समाज से कोई तो व्यक्तित्व होता जो इन उग्रपंथियों को ललकारता कि आओ हमसे कुरान से, बाइबल से वार्ता करो, तुम्हारे इस्लाम में कहाँ लिखा है। लेकिन जब हम दब्बू राम बन जाएंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे। जानते हैं कहावत कही जाती है, असक्तम परम साधु कुरूपा पतिव्रता, जिसका रूप नहीं है वो तो पतिव्रता ही है, और जो बूढ़ा हो गया वो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। हमारे पास ज्ञान नहीं है तो कहेंगे कि राज्य ने कहा है कि मैं आया हूं तुमको लेते चलूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। हमने एक आलस की चादर ओढ़ ली, हम अपने अपराधों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन याद रखिए, राज्य की दृष्टि में हम गुनहगार हैं। जो आज लाखों लोग मारे जा रहे हैं आतंकवाद के शिकार होकर, उसका गुनहगार हम सारे सुंदर साथ हैं, क्योंकि हमने वाणी को आत्मसात नहीं किया। हमने संसार को मार्ग नहीं दर्शाया कि संसार के लोगों तुम्हें क्या करना है। हमने वेद कतेब के नाम पर होने वाले झगड़ों को मिटाने का प्रयास नहीं किया। राज्य किस लिए आए संसार में, साहेब आए इंजमी करने कार्य दी, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया दी। हम तो तमाशा देख रहे हैं आज, हमारे पास कोई व्यक्तित्व नहीं है जो सारे संसार को चुनौती देकर कहे कि मुसलमानों तुम भटके हुए हो, आओ हम तुम्हें राह दिखाते हैं। सनंद की वाणी इसलिए नहीं आई कि उसको आप वाणी से निकाल दीजिए और कहिए कि मुसलमानों का ग्रंथ है। आप हिंदू मुस्लिम से परे आओ, ये तो गत संसार की जो खैचा खैच करत, अपन तो साथी धाम के हैं हम में नूर मत। आप परम धाम से आए हो, आप दुनिया के जीव नहीं हो। लेकिन हम सनंद की वाणी को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। हम तो धर्म को कहाँ तक बांध लिए हैं, तिलक में, कंठी में, छूत छात में और घंटी घड़ियाल में बांध लिए हैं। हम ऊपर तो सोचने का प्रयास ही नहीं करते कि हमें वाणी मिली है, किस लिए मिली है। ये सनंद की वाणी सारे रहस्यों से पर्दा उठाती है। आप देखिए, आसिक मासिक दो को है, एक प्रश्न है कुरान में कहा गया है कि अल्लाह एक है। आप उनसे कहेंगे कि नहीं, हमारी वाणी कहती है कि राज्य और श्यामा जी दो हैं, तो मुसलमान सीधे सीधे कह देगा तुम काफिर हो। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है कि वो तो बेचारा नादान है, समझाना हमारा काम है। आप सोचिए इसका उत्तर क्या है। उपनिषदों का एक वाक्य है, एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षय ब्रह्म, महालक्ष्मी कहां से आ गए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ शास्त्रों में नहीं है, संकेतों में सब कुछ है। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा है, पांच में परब्रह्म है और परब्रह्म में पांच है। राज्य के एक स्वलीला अद्वैत स्वरूप में अक्षर ब्रह्म भी है, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं और महालक्ष्मी भी हैं। ये पांचों अद्वैत एक ठोर, यही संकेत वेद के अंदर है। जो मार्फत का स्वरूप है वो अकेले है,
जैसे देखिए, हम कहते हैं कि परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद है। जब वो सच्चित आनंद में है तो कौन कह रहा है कि वो आनंद में है? परमात्मा क्या स्वयं में आनंदित हो रहा है? हम दर्शन के व्याख्याकार कह सकते हैं कि वो स्वयं आनंद स्वरूप है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, मौसम्मी खट्टी है या मिठ्टी है देखकर कैसे बताया जा सकता है? मौसम्मी से आवाज़ नहीं आएगी, मौसम्मी को चखने वाला बताएगा कि मौसम्मी खट्टी है या मीठी है। एक आनंद की राशि है और एक आनंद का भोक्ता है। जब संसार के जीव निराकार को पार कर ही नहीं सकते तो अक्षर से परे अक्षरातीत के आनंद को जब भोगने का अधिकार नहीं, उनके अनंत सौंदर्य को देखने का अधिकार नहीं, तो कैसे कह सकता है कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है? प्रेम तो आशिक और मासूक के बीच में होगा। प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, एक प्रेम करने वाला है, एक वो है जिससे प्रेम किया जाता है। तो जो अनंत सौंदर्य का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, उसका प्रेम किसी में जाएगा या कोई उससे प्रेम करेगा तभी तो उसको प्रेम का स्वरूप कहा जाएगा। आप अरबोपति हैं, आपने धन जमीन में गाड़ रखा है और भूखों तड़प रहे हैं। अब कहेंगे कि मैं अरबोपति हूँ लेकिन भूखा हूँ, लोग क्या कहेंगे, पागल है? जो अरबोपति होगा भूखों क्यों मर रहा है? जो अनंत आनंद का सागर है, सौंदर्य का सागर है, प्रेम का सागर है, इसकी अनुभूति करने वाला कौन है? कोई तो उसके साथ होगा जो क्रीड़ा करेगा। इसलिए जब ये तर्क आप कहेंगे कि आपका अल्लाह ताला सब कुछ है तो उसको नूर जमाल क्यों कहा गया है? नूर जमाल का अर्थ क्या होता है? इश्क का स्वरूप। किससे इश्क करता है वो? संसार के प्राणियों से, जो मांस खाते हैं शराब पीते हैं, नहीं। आशिक की परिभाषा क्या होती है? जिसके रोम रोम में उसका मासूक बसता हो। अल्लाह की जो रूह है वो अल्लाह से प्रेम करती है, अल्लाह अपने रूहों से प्रेम करता है। संसार के लोगों ने उसको अपने ऊपर घटा लिया कि हम अल्लाह के रूह हैं और अल्लाह हमसे प्रेम करता है। ये बात तो चलिए उनको अधिकार है कहने का, लेकिन पांच तरह की पैदाइश का रहस्य जिन्होंने जाना है उनको तो मालूम है कि मूल इब्तिदाए की सृष्टि कौन है, खिलकत की सृष्टि कौन है, कुन वाले सारी अपनी सारी उनकी शोभा मूल इब्तिदाए की और खिलकत की, यानी ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि की शोभा जीव सृष्टि लेकर बैठ जाए कि सच्चिदानंद परब्रह्म हमारे अंदर हैं, हम उनके अंदर हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो ये तो स्वप्न की सृष्टि है। इसलिए जब मुसलमानों को आप पांच तरह की पैदाइश के साथ आप ये बताएंगे कि बताइए रू अल्लाह का अर्थ क्या होता है, तब वो समझेंगे कि हाँ, जब नमाज पढ़ते हैं तो दाईं तरफ देखते हैं बाईं तरफ देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? शरीयत वाले कहेंगे कि ये दज्जाल को देखते हैं कि दज्जाल तो नहीं आएगा। प्रसंग ये दाईं बाईं तरफ दज्जाल को देखने का नहीं है, संकेत है कि मूल मिलावे में दाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है। एक ही अक्षरातीत दो स्वरूपों में दिख रहा है, एक प्रेम का स्वरूप है, एक आनंद का स्वरूप है। प्रेम का हृदय ही आनंद है और हर कोई अपने हृदय से प्रेम करता है। इसका संकेत बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क जी ने देने का प्रयास किया है, लेकिन तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण वो भी नहीं जान पाए। उस उपनिषद में क्या कहा गया है? आत्मना तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवत। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत से समझाऊं, आप मिठाई क्यों खाते हैं? अपने को अच्छा लगने के लिए। मैं मिठाई खाऊंगा तो मुझे मीठी लगेगी। पिता पुत्र से प्रेम करता है या पुत्र पिता से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करती है, किसके लिए? आत्मना काम आए, उसको चाहिए, उसको प्रेम चाहिए तो किसी से प्रेम करेगा, सुख चाहिए किसी से सुख लेगा। इसलिए हर कोई अपने के सुख के लिए कुछ करता है। मूल आशय क्या है? अपने अंदर जो चेतना है उसको प्रेम चाहिए। जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, दो स्वरूप का कारण क्या है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। यदि कोई वेद का विद्वान कहता है, वेद में भी ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा एक है, तो
अब सत्यांजलि का नया संशोधन प्रकाशित हो गया है, उसमें ये बात डाल दी गई है, पहले नहीं डाली गई थी। आप उनसे पूछिए अदिति और आदित्य में क्या अंतर है, सविता और सावित्री में क्या अंतर है, कहेंगे कि कोई अंतर नहीं। तो आप जानते हैं सविता पुल्लिंग है, सावित्री स्त्रीलिंग है, अदिति स्त्रीलिंग है, आदित्य पुल्लिंग है, और इन सभी शब्दों का अर्थ ब्रह्म ही होता है। आदित्य का भी अर्थ ब्रह्म होगा, अदिति का भी अर्थ ब्रह्म होगा, सविता का अर्थ भी ब्रह्म होगा, सावित्री का अर्थ भी ब्रह्म होगा। तो ब्रह्म का नाम स्त्रीलिंग में भी है, ब्रह्म का नाम पुल्लिंग में भी है। इसका तात्पर्य क्या है, प्रेम का जो सागर है जब क्रीड़ा करेगा तो आनंद के रूप में स्त्रीलिंग कहलाएगा, है नहीं। अंतरपट खोल देखिए दो आवत एक नजर, ऐसा ना समझिए कि श्यामा जी स्त्री हैं राज्य पुरुष हैं, वहाँ तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। भेद तो हमारी माया की आंखों में होता है और व्यवस्था है इस संसार में मर्यादा के लिए कि हम स्त्री पुरुष का भेद न रखें तो सारी सृष्टि का पतन हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर वो नहीं हो सकता। लेकिन जिसका आध्यात्मिक स्तर वो हो चुका है, जिसके अंतर चक्षु खुल गए हैं, उनको तो लगेगा इतने शरीर है मिट्टी का, स्त्री या पुरुष दिख रहा है। जो चेतन तत्व है वो स्त्री और पुरुष दोनों की परिधि से परे है, जो परमात्मा है उसको स्त्री या पुरुष की परिधि में हम नहीं बांध सकते। लेकिन पुरुष को पूर्ण कहा जाता है, इसलिए परमात्मा को पूर्ण पुरुष के रूप में दर्शाया जाता है। किंतु वेद में परमात्मा के स्त्रीलिंग में भी नाम है, जैसे अभी मैंने आपको कहा सावित्री और सविता, अदिति और आदिति। सत्यांजलि में मंत्र दे देकर ये बातें बताई गई है। तो आप किसी वेद के विद्वान से भी कहेंगे कि हम परब्रह्म को युगल स्वरूप में मानते हैं और ये उदाहरण देंगे तो उसको चुप रहने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मुसलमानों से भी जब प्रसंग होगा तो यदि हमारे पास समझाने की शक्ति है तो हम समझा सकते हैं। अल्लाह है तो रूह अल्लाह कहाँ से आ गया, रूह अल्लाह का अर्थ अल्लाह की रूह होता है। तो क्या ये जितने संसार के प्राणी हैं सभी अल्लाह के रूह हैं, वह तो कुन की पैदाइश है, उनके पास कोई भी उत्तर नहीं रहेगा। अब प्रसंग क्या है, रोम रोम में रम है पीव आशिक के अंग, आशिक के रोम रोम में उसका मासूक बसा होता है। कुरान का ये प्रसंग चल रहा है कि कुरान में आशिक और मासूक दो लिखे हैं। चलिए दो एक कहलाए, और ये भी कहा जाता है कि दोनों एक हैं। अब सोचिए आशिक मासूक दो लिखे दो एक कहलाए, ये न समझिए कि केवल कुरान का प्रसंग है, इसको वेद पक्ष पर भी घटाना होगा, कते पक्ष पर भी घटाना होगा। प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं होते हैं, लेकिन लीला रूप में दो हैं। जैसे मैं आपको एक संकेत देता हूँ, जाड़े में बर्फ गिरती है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर साथ हिमालय के पहाड़ पर रहने वाले, बर्फ बहती नहीं है, बर्फ जमी रहती है, गर्मी होती है बर्फ पिघल करके बहने लगती है, तो क्या कहते हैं, जल बह रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि बर्फ बह रही है, है तो ये कहीं, लेकिन जल बह रहा है और बर्फ जमी हुई है, जमी हुई बर्फ मारिफत है, बहने लगी तो हकीकत बन गई, अब वो पुलिंग बन गया कि जल बह रहा है। वैसे ही एक अक्षर अतीत है मारिफत का स्वरूप, जहाँ मन बुद्धि की कोई गति नहीं है। प्रेम क्या है आप बोल नहीं सकते, उसके अंदर अनंत प्रेम है, लेकिन व्याख्या कौन करेगा, अक्षरातीत की व्याख्या क्या कोई मनुष्य कर सकता है। अक्षरातीत कितना सुंदर है, कितना प्रेम है उसके अंदर, कितना आनंद उसके अंदर है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए बताएगा कौन, वही बताएगा। महामती जी के धाम हृदय में वही स्वरूप विराजमान हुआ और उसने वाणी के माध्यम से बताया कि देखो मैं, मेरे प्रेम का स्वरूप क्या है, मेरे आनंद का स्वरूप क्या है, और आनंद की लहरें जो बह रही है धाराओं के रूप में उनका स्वरूप क्या है, और तो कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए अब इस चौपाई में यही प्रश्न किया जाता है कि सभी ग्रंथों में तो कहा गया है कि परमात्मा एक है, फिर ये आशिक और मासूक दो शब्द कहाँ से आ गए, प्रेमी भी आ गया, प्रेमास्पद भी आ गया। मैं इसको पौराणिक रीत से बताता हूँ। आप देखिए मैंने कई बार चर्चा में इसका उदाहरण दिया है, आज प्रसंग आ गया तो मैं पुनः कह देता हूँ। पुराण संहिता में इस तथ्य को दर्शाया गया है अच्छी तरह से
राधा श्री कृष्ण के प्रेम में जब खो जाती है तो राधा का रूप श्री कृष्ण का बन जाता है, और श्री कृष्ण राधा को देखते देखते इतने प्रेम में डूब जाते हैं, श्री कृष्ण का रूप राधा का हो जाता है, श्रृंगार भी बदल गए, श्री कृष्ण का शरीर की आकृति भी बदल जाती है, श्रृंगार बदल गया, चेहरा बदल गया, राधा का चेहरा बदल गया, श्रृंगार बदल गया, लेकिन दिल नहीं बदला। दिल तो दोनों का एक है। लीला रूप में जो कृष्ण थे वो राधा बन गए होते हैं, और वो राधा कृष्ण बन जाती है, जो कृष्ण से राधा बनी हुई है वो राधा चाहती है कि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी, उसको कहते हैं रूठना। एक सखी आती है, कहती है कि देखिए कृष्ण, आप राधा के पास नहीं चलेंगे तो राधा के नेत्रों से इतने आंसू निकलेंगे कि सारे वृंदावन उसी में डूब जाएगा। ये प्रेम लीला का दर्शन कराया गया। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक कहीं हृदय दो रूपों में बदल गया। बाद में लीला जब अंतर्धान होती है तो राधा अपने पूर्व रूप में आती है, श्री कृष्ण पूर्व रूप में आते हैं, और इस लीला के माध्यम से केवल दर्शाया गया है कि प्रेम में तन दो होता है, दिल एक होता है। जब दो दिल रहेंगे तो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का तात्पर्य क्या? स्वलीला अद्वैत में राज जी का दिल वही है, श्यामा जी का दिल वही है, सखियों का दिल वही है, अक्षर ब्रह्म का दिल वही है। लीला रूप अलग अलग है। आप राज्य और अक्षर को दोनों समझिए। लीला रूप में दो स्वरूप हैं, दिख रहे हैं, अंदर से एक है। जैसे मैं यहाँ तकत पर बैठा हूँ, आपको कुछ भी थोड़ा बहुत टूटी फटे शब्द सुना रहा हूँ, तो मंच पर बैठकर मैं आपसे हंस बोल नहीं सकता, क्योंकि इस मंचासन पर बैठने की एक मर्यादा है, मुझे उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। किंतु आप जब कमरे में आप मेरे आएंगे तो मैं आपसे हंस बोल सकता हूँ। मैं वही हूँ, ये मंच वाला भी वही हूँ, कक्ष में आप आएंगे तो मैं वही रहूँगा, लेकिन मेरा व्यवहार बदला होगा। उसी तरह से एक ही राज्य जब प्रेम के स्वरूप में होते हैं तो राज्य कहलाते हैं, वही राज्य जब सत्ता के रूप में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं तो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। हमने अक्षर ब्रह्म को बहुत हल्का समझ लिया, इसलिए रे रे करके बोलते हैं, अरे अक्षर क्या है, वो तो हमारे दर्शन करने के लिए आता है। आप तो इतने भाग्यशाली हैं कि राज्य को ही पशु पक्षी बनाकर उन पर सवारी कराते हैं आप लोग, कभी सोचा भी है? इस रहस्य को जिस दिन समझ लेंगे हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। हमारी तो दृष्टि बाहर की है, हम गरीब अमीर का भेद करते हैं, काले गोरे का भेद करते हैं, प्रांत का भेद करते हैं, जाति बिरादरी का भेद करते हैं, जैसे दुनिया वाले हम भी वैसे ही बने हुए हैं। हमने तो कुछ समझा ही नहीं राज्य की लीला को। जिस दिन हम आत्मदृष्टि खोल लेंगे उस दिन हमारी अवस्था कुछ और हो जाएगी। ये बात तो परम धाम के प्रेम की है। आसिक मासुक दो लिखे दो एक कहलाए, दोनों एक हैं और दोनों एक हैं और दोनों दो रूप में दिख रहे हैं, ये कब समझेंगे हम? तारतम्य ज्ञान के दृष्टि से आगे चले। दो कहे कुफर होते हैं, कुरान में ये बात कही कहती है कि यदि कोई कहता है अल्लाह के सिवाय कोई और है तो कुफर है, पाप है। इतना कठोर प्रतिबंध बना दिया गया। बेचारे हिंदुओं को क्या कहा जाए, इनके तो हजारों परब्रह्म है। मुसलमान तो कहते हैं कि एक अल्लाह के सिवाय हम किसी को नहीं मानते, उनको मारिफत की बात बताई ही नहीं गई। उनको तो यही कहा गया कि पांच बार तुम्हें नमाज पढ़नी है, हज करना है, जकात देना है, यही करते रहो, इससे अधिक बेचारे वो जानने में सक्षम भी नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य है उन हिंदुओं का जिन्होंने वेद पढ़ना छोड़ दिया, कुरान उपनिषद पढ़ना छोड़ दिया, दर्शन पढ़ना छोड़ दिया, शालिग्राम और शिवलिंग को ही परमात्मा मानकर बैठ गए, एक पिंड बना दिया और उसी के आगे पशुओं को काटने लगे। एक बार एक वीडियो मैंने देखा था, उस दिन मेरा मन बहुत खिन्न रहा। मैं उस स्थान के बारे में नहीं जानता, नेपाल का कोई स्थान है, कोई भैरव देवता का कोई मंदिर था, उसको तो देवता कहेंगे ही नहीं जो मांस का है। वहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो बकरों को निकालता था, जीभ निकाल कर काट कर चबा जा रहा था। मुझे तो लगा कि उल्टी हो जाएगी, ये कौन सा पंथ है, ये राक्षसी कर्म है।
कि जिंदा बकरों को जीभ खींच खींच कर चबा जा रहा हो, ये कोई पूजा है? ये तो राक्षसों का भी कर्म नहीं है। मेरे कहने का ऐसे क्या है, समाज भटक चुका है। अभी विजयदशमी के दिन देखा गया, कई जगहों पर टीवी में समाचार आया था, लोग शराब चढ़ा रहे थे। परमात्मा को शराब चढ़ाने की क्या हो सकता है? भैरव देवता की कल्पना कर ले कि भैरव देवता को शराब चाहिए, मांस चाहिए। दिल्ली में भी एक मंदिर है, वहाँ लाइन लगी रहती है। परमात्मा क्या भूखा है, आप उसको पशुओं की बलि दे रहे हैं। कामाख्या चले जाइए, पशुओं की बलि दी जा रही है, जैसे कसाई खाना बन गया हो। मुसलमान कम क्यों होंगे? बकरीद का त्यौहार होता है, देखिए कितने करोड़ों पशुओं को दुनिया से विदा कर दिया जाता है। कुरान की एक आयत में स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह तक पशुओं का रक्त नहीं पहुँचता है, वहाँ तो नेक बंदगी पहुँचती है। मनुष्य ने धर्म का दुरुपयोग किया है अपने स्वार्थ के लिए, वो धर्म की परिभाषा को नहीं जानता। ये हमारा उत्तरदायित्व था कि हम विद्वान तैयार करते, संसार में वाणी की पताका फहराते, सबसे जाकर शास्त्रार्थ करते। हम तो घर के शेर कागजी बने रह गए, अपने घर में जय जयकारा लगा लिया, अपने को सबसे बड़ा कह दिया, संसार से टकराने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो परिणाम क्या होगा? संसार में त्राही त्राही मच जा रही है। आप सोचिए, यदि हम सुंदर सात ज्ञानवीर होते, भक्तिवीर होते, धर्मवीर होते, तो राज जी भी मुस्कुरा रहे होते, श्री जी भी घूमर जी में बैठकर आशीर्वाद दे रहे होते कि चलो मेरे परम धाम के ब्रह्मनि संसार को तो ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं ना। हम जगेंगे तो मुंह दिखाने लग नहीं है। आप देखिए संसार में कितने बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट झेले। दयानंद को एक दो बार नहीं, 14 बार जहर दिया गया। लोग पत्थर मारते थे, दयानंद तभी मुस्कुराता है। जो उसको बीज देता है, उसको पैसा देकर के दयानंद भगा देते हैं कि चले जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। सचमुच वो दयानंद दया का सागर है। हमने तो कोई व्यक्तित्व कहाँ से पैदा किया? हमारी तो सारी ऊर्जा आपस के झगड़ों से ही में खत्म हो जाती है। न हमें ज्ञान चाहिए, न भक्ति चाहिए, न प्रेम चाहिए, क्यों लड़ाइयाँ चाहिए? हमारी सारी ऊर्जा तो लगता है लड़ाइयों के लिए बनी है। तो हम संसार का क्या मार्गदर्शन करेंगे? कर्मकांड हमसे छूटता नहीं, तो संसार को और कर्मकांडों से हम क्या छुड़ाएंगे? हम स्वलीला अद्वैत की व्याख्या क्या करेंगे जो जब हमारी दृष्टि शरीर से परे नहीं हो पाती, संसार से परे नहीं हो पाती। कुरान का कथन है, दो कहे कुफर होते हैं। मुसलमान से कहेंगे कि अल्लाह ताला और रू अल्लाह दो हैं, कहेंगे कि तुम काफिर हो, तुम कुफर वक्ते हो। आप हिंदू से कहेंगे तो वो थोड़ा बहुत मान लेगा, क्योंकि उसने राधा कृष्ण की लीला देखी है, उसको लगता है हाँ परमात्मा दो रूपों में लीला कर सकता है, जैसे सीता और राम, शिव और पार्वती, तो उसी तरह से राधा कृष्ण के आधार पर वो मान लेगा सरलता से। क्योंकि हिंदुओं में कट्टरता नहीं रही है, हिंदुओं में अज्ञानता और जड़ता रही है, मुसलमानों में तमोगुणी प्रवृत्ति रही है, कट्टरता रही है, उनके पास दिमाग नहीं होता। कुरान की आयतें रट लेंगे, लेकिन ये विवेक नहीं होता कि कुरान की इस आयत का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उनमें चिंतन शक्ति का अभाव होता है। परिणाम दोनों ही अंधकार में भटके रहे। अब दोनों को सत्य का प्रकाश देने के लिए स्वयं अक्षरातीत आए हैं और सनंद की वाणी से उन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। सनंद की टीका हो चुकी है, मारिफत सागर, क्यामत नमा, सारी टीकाएं हो चुकी हैं। अब सुंदर सात के ऊपर है कि वाणी की गहराइयों में डूबे, वाणी के ज्ञान को सर्वोपरि माने। मैं कभी नहीं कहता कि जो टीका में लिखा है अंतिम सत्य है। आपको जितना सत्य लगता है उतना ग्रहण कीजिए। राज्य की कृपा दृष्टि को एक समुद्र माना जाए तो उसकी एक बूंद का करोड़वां अंश मुझे प्राप्त हुआ और उनकी कृपा दृष्टि मैंने लिखने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इसमें लिखा है अंतिम सत्य है। आप राज्य, आप पर कृपा करें, आपको मेरे से भी 1000 गुना ज़्यादा समझ जाए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप वाणी के चिंतन में तो लगिए, जितना आपका हृदय स्वीकार करता है उसको ग्रहण कीजिए
और उस ज्ञान को सर्वत्र फैलाइए। संसार अंधकार में भटक रहा है, संसार को तो पता भी नहीं बेचारे को कि ये दुनिया कैसे बनती है, कैसे लय होती है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। ये जो वेद कतेब के झगड़े हैं, वेद के गुही प्रश्न हैं, कुरान के गुही प्रश्न हैं, इनका समाधान करना हमारा कर्तव्य था। हमने तो सबको लड़ने के लिए छोड़ दिया है। हिंदू मुसलमान से घृणा करता है, मुसलमान चाहता है कि सारी दुनिया को मारकर मैं इस्लाम की शरीयत थोप दूं, क्रिश्चियन चाहते हैं कि हम पैसे के बल पर सबको ईसाई बना दें। हमें प्रबल होना चाहिए था, यदि हम श्री जी की आवाज़ गुजाते तो आज सारे संसार में प्रेम शांति की सुगंध हो रही होती और मूल मिलावे में विराजमान राज जी भी ब्रह्मशिष्टियों की जागनी लीला का बल दे करके कहते कि हाँ ब्रह्मशिष्टियों ने कुछ कर दिखाया है। लेकिन हमने, हमसे राज्य को जितनी आशा रही है शायद हमने 100वां अंश भी करके नहीं दिखाया। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम अभी भी जग जाएं तो भी सवेरा हो जाएगा। हर व्यक्ति जब जागे तभी समझ लेना चाहिए कि सवेरा हो गया है। और हमारे जीवन में जो भी पल है हम ब्रह्मवाणी के प्रचार में लगाएं, चितवनी में डूबें, सबको परम धाम की तरफ प्रेरित करें, इसी में हमारे जीवन का उत्कर्ष। आखिरी चरण दो कई ऊपर होते हैं। अब काजी क्या फुरमाए, अब कह रहे हैं, अब देखिए काजी कौन है, स्वयं श्री जी। सनंद की वाणी कह रही है, आशिक मासूक दो लिखे, दो एक कहला है, दो कहे कुफर होते हैं, अब काजी क्या फरमाए। अब प्राणनाथ जी का निर्णय क्या होता है, क्या सचमुच आशिक मासूक दो हैं, क्या राजी श्यामा जी दो हैं, और कुरान जब एक अद्वैत ब्रह्म को मानता है तो इस्लाम के अनुसार इसकी कैसी व्याख्या की जाएगी कि आशिक भी एक है और मासूक भी एक है। आशिक मासूक दो होते हुए भी आंतरिक रूप से एक कैसे हैं, इसकी व्याख्या में श्री जी का क्या निर्देश है ये सुना जाएगा। अब समय नहीं है, कल की चर्चा में देखेंगे इसके आगे की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए पानी की एक एक चौपाई में ज्ञान का सागर भरा पड़ा है, हमारी चोंच छोटी है, राज्य के प्रेम में आनंद में ज्ञान में अनंतता है, हमारा हृदय छोटा है, लेकिन उस छोटे से हृदय में यदि एक बूंद भी आ जाएगी तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। इसलिए जितना संभव हो सके बच्चे से लेकर वृद्ध तक को चाहिए कि 100 हाथों से बटोरे, 1000 हाथों से लुटाने का साहस रखें, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। आप प्रतिष्ठा पाने के लिए संसार में नहीं आए हो, अरे आप तो परमधाम की ब्रह्मात्मा हो जिनकी चरण रज से ब्रह्मांड पवित्र हुआ है। आप दुनिया वालों की तरह छोटी छोटी प्रतिष्ठाओं के पीछे क्यों भागते फिरते हो, इस सारे ब्रह्मांड का भी पद आपके लिए तुच्छ है। आप छोटे छोटे आश्रमों के महाराज बनने को सबसे बड़ी चीज मानते हैं, 1-2 करोड़ की संपत्ति को सब कुछ मानते हैं, ये कुछ भी नहीं है, तो सब सपना है। जिस काम के लिए आए हो उस काम में लगो, वाणी को फैलाना आपका पहला कर्तव्य है, राज्य को दिल में बसाना पहला कर्तव्य है। आपके जीवन की एक एक सांस इसके लिए होनी चाहिए। मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से ये अपेक्षा करता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि राज से क्यामत नामा तक की टीका छप गई है, अधिक से अधिक उसको आत्मसात करें। टीका राज्य की कृपा से हुई है, उसको ये मत समझिए कि राजन स्वामी की टीका है। ठीक है, मेरा मिट्टी का पुतला जरूर काम में हुआ है, उनकी जितनी कृपा दृष्टि को मैं संभाल पाया हूँ उतना ही लिख पाया हूँ। मेरे से भी गलतियाँ होनी स्वाभाविक है क्योंकि मैं कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, आपको पता ही है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर टीका वाणी में डुबकी लगाइए, आपको उस डुबकी लगाने पर ज्ञान के अनमोल रत्न मिलेंगे जिससे आपकी आत्मा का श्रृंगार होगा।